मध्य प्रदेश के चर्चित पुलिस इंस्पेक्टर सुदेश तिवारी ने सिंगरौली के स्कूल संचालकों से कहा कि स्कूल वैन में अगर तय संख्या से ज्यादा बच्चे बैठाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली में चरगुड़ा के इंडियन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल वैन में बच्चों की संख्या तय सीमा से ज्यादा पाई गई, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी सुदेश तिवारी ने स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। राउंड पर निकले सुदेश तिवारी ने इंडियन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की एक वैन को देखा, उसमें 10 बच्चों की जगह पर 33 बच्चे भरे हुए थे। ये तय संख्या से कहीं ज्यादा था। बच्चों की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ देखकर ही कोतवाली प्रभारी सुदेश तिवारी ने वाहन चालक को सख्त हिदायत दी और स्कूल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही, ताकि स्कूल संचालक दोबारा कभी भी ऐसी लापरवाही ना कर सके। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।